हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सड़क किनारे कूड़ा फेंके जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल कुमाऊं कमिश्नर एक मीटिंग के दौरान जा रहे थे, तभी काठगोदाम थाने की दीवारों के बीच कूड़ा फेंका गया था, जिसे देखकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नाराजगी व्यक्त की। सर्किट हाउस के कर्मचारियों से लेकर काठगोदाम थाना पुलिस तक उन्होंने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस हमारा राज्य अतिथि गृह है, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वीआईपी आते हैं। ऐसे में इसके आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी से हमारे राज्य अतिथि गृह की बदनामी होती है। उन्होंने सर्किट हाउस और एनएचपीसी के कर्मचारियों के साथ ही काठगोदाम थाना पुलिस को तत्काल गंदगी को साफ करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय को भी उन्होंने एक पत्र जारी कर हिदायत दी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हाँ, क्योंकि ये आप जानते हैं कि सर्किट हाउस तो खैर है, कहीं पे भी कूड़ा क्यों होना चाहिए, इस पे अभी विशेष अभियान हमारा चला रहा है। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं। सर्किट हाउस के आसपास मैंने 2-3 बार नोट किया है कि कूड़ा रहता है और जो इसे डाल रहे हैं, एक तो मैंने थाने के पास देखा, एक मैंने देखा कि सर्किट हाउस वाले खुद भी इसका उचित निस्तारण नहीं कर रहे हैं। जो इनका गेस्ट हाउस है एनएचपीसी का, वो भी उचित निस्तारण नहीं कर रहा है। तो आज तो खैर केवल चेतावनी दी गई है, लेकिन इसके बाद अगर कूड़ा यहाँ पर डाला जाएगा तो जो भी इनका संचालन कर रहे हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, उन पे व्यक्तिगत रूप से हम शोकॉज देके ये जुर्माना डालेंगे।